अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हरीम व्लॉग। और आज आप सोच रहे होंगे कि ये भी कोई फाद भाई का कोई भी इवेंट होगा, बट ऐसा नहीं है। ये कोई भी फाद भाई का इवेंट नहीं है, बल्कि ये ननिहाल साइड में, ना कि ददियाल साइड में। तो ननिहाल साइड में है हमारे प्यारे सालार की बर्थडे, जो मेरी रुबीना खाला हैं उनके बेटे की बर्थडे। शायद वो आज फर्स्ट ईयर का, वन ईयर का होगा, पता नहीं किस ईयर का होगा, मुझे नहीं पता। बट बहुत मज़ा आएगा आज को। जिस तरीके से मैंने शामी और मिर्सा की बर्थडे की व्लॉग बनाया था ना, और आप लोगों ने शामी के बर्थडे वाले व्लॉग पे इतना ज़्यादा प्यार दिखा था, 100 से भी ज़्यादा लोगों ने उस पर व्यूज़ डाले थे। तो प्लीज़ इस व्लॉग में भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ डालना। और जैसे मैं डेकोरेशन थी, मैं आपको वैसे ही दिखाऊँगी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा जैसे आपने शामी की बर्थडे पर किया था। तो आज है सालार की बर्थडे, सो पहले तो हैप्पी बर्थडे सालार। और अभी हम लोग जा रहे हैं बुशरा खाला, अगर कुछ भी होता है हम लोग बुशरा खाला का रेडी होने जाते हैं। तो मैं जैसे मैं व्लॉग में कहती हूँ कि मैं रेडी होकर फिर मैं आप लोगों को गाड़ी में मिलती हूँ, क्योंकि बुशरा खाला के घर में व्लॉगिंग नहीं कर सकती क्योंकि आज मम्मा के पास होगा फ़ोन, तो इसलिए। बट जैसा भी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं रिकॉर्ड करूँगी, और आप लोग को भी उतना ही प्यार देना जितना आपने शामी के बर्थडे पर देना था। सालार, मिर्सब, शामीर, इन तीनों में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है। और कल है शलीमा, तो कल फाद भाई का इवेंट है, लेकिन आज ननिहाल साइड में, तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो अभी हम निकल रहे हैं, टाइम भी नहीं है। ओके, तो मैं आपको मिलती हूँ बाद में। स्टेट फाइनली हम तैयार होकर आ गए हैं और हम जा रहे हैं। यहाँ आता है 12 बजे तक, 12, 12:30, 1 बजे नहीं, वो छोटे भी नहीं अशक हो जाते। स्पेशल बात है कि मैं मीनू से मिली थी, जो कि दुबई या पता नहीं कहाँ पर आई थी। तो वो आई है, वो जब वो गई थी तो इतनी छोटी सी, जब जब आई तो बहुत बढ़िया, तो फर्स्ट टाइम बोलते हैं। कैसे भैया? अरे भाई, दिल वाले लोग क्या आ रहे हैं, ये भी लोग भी दिल वाले लोग। भैया सब मिल रहे हैं एक दूसरे से। पिटी गर्ल जो इतनी छोटी सी थी और अब इतनी बड़ी आकर आई है। देखे मेन आर्टिस्ट की सिस्टर आनी जो भी है, फ्रेंड्स मिल गई हैं एक दूसरे से बहुत क्यूट तरीके से। और ये कुछ ऐसा लग रहा है, और आप लोगों को कमेंट में जरूर से बताना कि मैं कैसी लग रहा हूँ। मेहनत नहीं लगी, लेकिन अच्छी भी लगी। कल भी जरा था ना, डर लग रहा है ज्यादा। मरियम बोलो, ये सालार की फुप्पू है, ये सालार की फुप्पू है भाई, और ये मुझे बहुत प्यार दिखाती है, लड़ती भी बहुत है मेरे से। ये प्यार वाला लड़ना कल हमारे यहाँ ना जला था, ये ऐसा ऊपर करके जा रहा।
माया जला था आदत है। अंकल हटिएगा अंकल वानी जान मेरे से तो मिल ले। आए अल्लाह तुम से तो मिल लो। अभी तेरा होश है वहां से तक। वालेकुम अस्सलाम। अभी तेरा दिन दिन अच्छा ना है। कैसी हो? केक आ गया अब केक में घंटे से खाना खा रही थी सच बात है। तो खाने में था कबाब, पॉम टॉम, बिरयानी,
और वो रोटी और सालन कढ़ाई क्या ले लो मेरी मम्मा और कोल्ड ड्रिंक के और साथ में तो गाजर खा लो जो कि अभी पड़ा हुआ दिखाते हैं जा रहा है एंड मैं जा रहे हैं चीज दिखा दूंगे क्योंकि मैंने नहीं है परसों आ जाए मेरे पास हाँ ओके तो भाई अभी हम जा रहे हैं भैया इसे को पागल सा आ रहा है इसे को मालूम लगा सही कह रही है लग ही नहीं रहा था कुछ अभी हम घर आ चुके हैं और आपने आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक कपड़े ही नहीं बदले कुछ नहीं किया हुआ जबकि अभी बज रहे हैं 4:03 हो रहे हैं 3 सेकंड या 3 मिनट आई डोंट नो मुझे अभी तक टाइम देखना है इतना सही से नहीं आया बट हम लोग आए थे वहाँ से यहाँ तकरीबन 1 बजे और अभी 3 घंटे हो गए फिर भी मैंने कपड़े नहीं बदले ऐसा तो हो नहीं सकता ना तो हम लोग चले गए थे भाई घर वहाँ पर भी कुछ क्योंकि रोज जा रहे थे तो वहाँ आज नहीं गए तो बाबा ने कहा चलो चलते हैं तो सिर्फ मैं मेरी मम्मा और बाबा गए गाड़ी में क्योंकि हम सब गाड़ी में आए थे बिशा खाला के साथ फिर गाड़ी रखने के लिए मतलब गाड़ी उधर पार्क करने के लिए भाजी की जगह पे तो हम लोग गए हमने का मौका भी है चलते हुए फिर तो हम चले और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें विच इज़ हरी ब्लॉग्स अल्लाह हाफिज़।